सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने के लिए। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 व कक्षा 5 के सत्रांक ऑनलाइन करने व संस्था प्रदान विद्यालय एवं परीक्षा केंद्र हेतु अति आवश्यक दिशा निर्देश हुए जारी। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो कक्षा 8 और कक्षा 5 के जो सत्रांक ऑनलाइन करने हैं, आपको शाला दर्पण पर ऑनलाइन करने हैं, इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। साथ ही जो परीक्षा केंद्र है, विद्यालय है और संस्था प्रदान है, उन सभी के लिए बोर्ड परीक्षा संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश जारी हुए हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 यानी कक्षा 8 के परीक्षा संचालन हेतु जो सामान्य दिशा निर्देश जारी हुए हैं कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग की ओर से, जिसमें विद्यालय व संस्था प्रदान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश बताए गए हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, तो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा यानी 2022 की जो कक्षा 8 की परीक्षा है, उनमें विद्यार्थियों की नामांकन सूची तथा प्रवेश पत्र शाला दर्पण पोर्टल पर एग्जाम एक्टिविटी में उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इसको डाउनलोड कैसे करना है वो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। दूसरी बात करते हैं, संस्था प्रधान नामांक सूची डाउनलोड कर उसकी समस्त प्रविष्टियों की जांच कर लेवें, यदि कोई विसंगति हो तो तत्काल समय के विद्यालय के लॉगिन से संशोधन किया जाना सुनिश्चित करें। अब अगर कोई आपको लगे कि कोई किसी भी बच्चे के जो सूची हम डाउनलोड कर रहे हैं उसमें विसंगति है तो आप इसको जांच कर लें और उसको तत्काल सही करें। विद्यार्थी विवरण संशोधित के लिए प्रपत्र 5 शाला दर्पण पर अपडेट करें। तृतीय भाषा में अगर संशोधन करना है तो प्रपत्र 7 को अपडेट करें। इसी प्रकार विद्यार्थी डाटा एंट्री सशुल्क शीट की PSP पोर्टल पर एंट्री कर सकते हैं। निजी विद्यालय तृतीय भाषा में संशोधन समय के लॉगिन से कर सकेंगे। तो बहुत बड़ा ये अपडेट दे दिया गया है कि तृतीय भाषा में जो संशोधन करना है निजी विद्यालय को, वो अपने समय के लॉगिन से कर सकेंगे। विद्यालय लॉगिन पर सुविधा प्रारंभ न होने की स्थिति में आवश्यक दस्तावेजों सहित वो प्राचार्य डाइट से व्यक्तिगत संपर्क करेंगे। संशोधन संबंधी कार्य समस्त विद्यालयों द्वारा, तो ये डेट भी निर्धारित कर दी गई है, जो भी संशोधन आपको करना है समस्त विद्यालयों को अगर करना है तो 10 अप्रैल 2022 रविवार तक अनिवार्य तक कर लिया जाए, ताकि डाटा सिंक्रोनाइज के पश्चात 12 अप्रैल 2022 से संशोधित प्रवेश पत्र पोर्टल पर जारी किए जा सके। तो इस बात का आप सभी ख्याल रखें कि जो भी आपको संशोधन करना है वो 10 अप्रैल 2022 रविवार तक आप कर लेवें। अगला है कि शाला प्रधान प्रवेश पत्र डाउनलोड कर उन्हें समय के हस्ताक्षरों से अधिप्रमाणित कर विद्यार्थियों अभिभावकों को परीक्षा पूर्व यथासमय प्रदान करेंगे, ताकि विद्यार्थी को उनका परीक्षा केंद्र ज्ञात हो सके। यदि किसी प्रवेश पत्र पर परीक्षार्थी का फोटोग्राफ स्कैन नहीं हुआ है तो संस्था प्रदान परीक्षार्थी से नवीनतम फोटोग्राफ प्राप्त कर प्रवेश पत्र पर निर्दिष्ट स्थान पर चिपका कर अधिप्रमाणित करेंगे। इसी प्रकार संस्था प्रदान अनिवार्यतः परीक्षा केंद्र पर जाने वाले विद्यार्थी, परीक्षार्थियों के सहायतार्थ विद्यालय के किसी शिक्षक या कार्मिक की नियुक्ति एस्कॉर्ट के रूप में कर सकेंगे। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 कक्षा 8 के समस्त विषयों के जो प्रश्न पत्र एक बुकलेट के रूप में द्विभाषी स्वरूप में होंगे, जिनमें परीक्षार्थी को निर्धारित स्थान पर ही अपना उत्तर लिखना या हल करना होगा। परीक्षार्थी को पृथक से उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। कृपया इस बात की जानकारी विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से दे देवें, यानी आप अपने विद्यार्थियों को ये जानकारी दे देवें कि जो परीक्षा होगी 8वीं की, उनमें उत्तर है वो जो प्रश्न पत्र आएगा उसी के अंदर आपको लिखने हैं, अलग से उत्तर पुस्तिका नहीं देनी है। विद्यार्थियों को सूचित करें कि वे उत्तर पुस्तिका बुकलेट पर अपना नामांकन निर्धारित स्थान पर स्पष्ट रूप और सुपाठ्य रूप अंकों में और शब्दों में दोनों में लिखें। संस्था प्रधान से ये अपेक्षा है कि वे विद्यार्थी अभिभावकों को परीक्षा के समय एवं तिथियों के बारे में जागरूक करें एवं परीक्षा से आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर उनकी पहुँच सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात हम कर रहे थे सत्रांक प्रविष्टि की, तो विद्यालय लॉगिन पर प्रदत्त सत्रांक प्रविष्टि मॉड्यूल का प्रयोग करते हुए आप 20 अप्रैल 2022 बुधवार तक समस्त पंजीकृत विद्यार्थियों के सत्रांक है वो पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। सत्रांक की जो अंतिम तिथि है 8वीं की, वो 20 अप्रैल है। कैसे करना है उसके लिए दोस्तों मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा कि सत्रांक प्रविष्टि आपको विद्यालय लॉगिन से किस प्रकार करनी है। अब बात करते हैं परीक्षा केंद्र और केंद्राधीक्षकों हेतु जो आवश्यक दिशा निर्देश जारी हुए हैं उनके बारे में। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 कक्षा 8 के विद्यार्थियों की जो नामांकन सूची, प्रवेश पत्र, उपस्थिति पत्रक में फोटो व हस्ताक्षर शाला दर्पण पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इन्हें यथाशीघ्र डाउनलोड प्रिंट कर लें, जांच लें कि परीक्षा केंद्र से संबंधित समस्त विद्यालयों के परीक्षार्थियों का डाटा प्राप्त हो गया है, अन्यथा स्थिति में जिला
स्तरीय डाइट निरीक्षण कक्ष को अविलंब सूचित कर निस्तारण कर लेवें। इसी प्रकार संबंधित डाइट द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से वितरित किए जाने वाले प्रश्न पत्रों को प्राप्त करते समय केंद्राधीक्षक विशेष सावधानी बरतेंगे। केंद्राधीक्षक प्रश्न पत्र प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लेवें कि उन्हें परीक्षा केंद्र पर आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या के अनुरूप समस्त विषयों के प्रश्न पत्र प्राप्त हो गए हैं। तृतीय भाषा संबंधित प्रश्न पत्रों की संख्यात्मक उपलब्धता की विशेष तौर पर जाँच लेवें। प्रश्न पत्र वितरण दिवस से पूर्व ही निकटवर्ती पुलिस थाने में मजबूत लोहे की अलमारी में पहुंचा देवें। वितरण दिवस को प्राप्त प्रश्न पत्र पैकेट की पूर्ण जांच कर अलमारी में परीक्षा दिवसवार व्यवस्थित कर सीलबंद रूप से रखना सुनिश्चित करें। ध्यान रहे कि इस हेतु प्रयोग में ली जाने वाली अलमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के प्रश्न पत्रों को रखने में काम में ली जाने वाली अलमारी से अनिवार्य रूप से पृथक होगी। जिन परीक्षा केंद्रों के नज़दीक में कोई पुलिस थाना पुलिस चौकी नहीं है उन परीक्षा केंद्रों के प्रश्न पत्र उसी एकल खिड़की परीक्षा केंद्र पर मजबूत लोहे की अलमारी में पूर्ण सुरक्षा के साथ रखे जाएंगे। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा संबंधी समस्त जिम्मेदारी केंद्राधीक्षक की रहेगी। वे इसके लिए केंद्र पर कार्मिकों की राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाया जाना सुनिश्चित करेंगे। अलमारी के दो तालों की चाबी केंद्राधीक्षक एवं अतिरिक्त केंद्राधीक्षक के पास अलग अलग नियमानुसार रहेगी। दोनों की उपस्थिति के बिना अलमारी को नहीं खोला जा सकता। साथ ही केंद्राधीक्षक द्वारा परीक्षा प्रश्न पत्र अलमारी से निकालने एवं थाने से परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित ले जाने के रिकॉर्ड के लिए एक रजिस्टर अनिवार्य रूप से संधारित किया जाएगा, जिसका प्रारूप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के प्रचलित प्रारूप के अनुसार ही रहेगा। परीक्षा दिवसों में प्रश्न पत्र के लिफाफे को परीक्षा प्रारंभ से 15 मिनट पूर्व ही खोला जाना है। यदि परीक्षा केंद्र परीक्षार्थी संख्या 500 से अधिक है तो लिफाफों को 20 मिनट पूर्व खोला जा सकता है। पैकेट खोलते समय उन पर अंकित प्रविष्टियों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। साथ ही राजकीय विद्यालय में बनाए गए परीक्षा केंद्र के लिए वहां पदस्थापित संस्था प्रधान ही केंद्राधीक्षक के रूप में कार्य करेंगे। विशेष परिस्थितियों में संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की टिप्पणी के आधार पर ही अन्य अधिकारी को केंद्राधीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। निजी विद्यालय के जो है परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक के रूप में उसी ब्लॉक को किसी राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा व्याख्याता को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की टिप्पणी के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इन परीक्षा केंद्रों पर वीक्षक पर्यवेक्षक राजकीय विद्यालय से ही लगाए जाएंगे। ध्यान रहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केंद्रों वाले विद्यालयों में किसी भी शिक्षा अधिकारी को निजी विद्यालयों में केंद्राधीक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। राजकीय विद्यालय में नियुक्त केंद्राधीक्षक को यथा समय उसी विद्यालय से परीक्षा हेतु वीक्षकों अन्य कार्मिकों की नियुक्ति करनी होगी। वीक्षकों को संबंधित उपलब्धता के अभाव में CBO से अतिरिक्त वीक्षकों की मांग की जा सकेगी। ग्रामीण क्षेत्र में वीक्षकों को शहरी परीक्षा केंद्रों में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। 4 से 5 परीक्षा केंद्रों पर एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी। जिस दिन जिस विषय की परीक्षा हो उस दिन उस विषय के अध्यापक को वीक्षक पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। परीक्षार्थियों को वितरित किए जाने वाले प्रश्न पत्र बुकलेट पर समान परीक्षा योजना में काम में लिए जाने वाला वर्ण मोहर का इस्तेमाल किया जाए, उसका रिकॉर्ड भी पृथक से रजिस्टर में संधारित किया जाए। परीक्षार्थियों को प्रदत्त बुकलेट में ही प्रश्न निर्धारित स्थान पर हल करने होंगे। इसके लिए अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका बुकलेट प्रदान नहीं की जाएगी। केंद्राधीक्षक का यह दायित्व होगा कि वे परीक्षा कक्ष में मौजूद वीक्षक को पाबंद करें कि वे परीक्षार्थियों को बुकलेट पर लिखे जाने वाले समस्त प्रविष्टियों जैसे परीक्षार्थी का नामांकन अंकों व शब्दों में दिनांक व आदि को जांच लेवे। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 15 है कि यदि परीक्षा केंद्र पर CWSN श्रेणी का कोई ऐसा परीक्षार्थी पंजीकृत है जिसे श्रुति लेख की अनुमति दी गई है तो ऐसे परीक्षार्थी की बैठक व्यवस्था पृथक कक्ष में की जानी है। इस परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र हल करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किया जाना है, परंतु श्रुति लेख नहीं दिया जाना है की स्थिति में पृथक बैठक व्यवस्था अपेक्षित नहीं है। बधिर श्रेणी के 37 विद्यालयों के विद्यार्थी तृतीय भाषा से मुक्त रहेंगे। केंद्राधीक्षक प्राप्त बुकलेट का विषयवार ब्यौरा रखेंगे, साथ ही प्रति परीक्षा दिवस एक खपत रजिस्टर भी संधारित करेंगे। यदि क्षतिग्रस्त बुकलेट वितरण हेतु प्राप्त होती है तो उसका वितरण परीक्षार्थी को न किया जाए। संपूर्ण परीक्षा समाप्ति पश्चात समेकित रूप से बुकलेट का ब्यौरा क्षतिग्रस्त बुकलेट सहित संबंधित डाइट को निर्धारित रूप में उपलब्ध करवाएंगे। केंद्राधीक्षक को प्रति परीक्षा दिवस परीक्षा उपरांत परीक्षार्थियों द्वारा प्रिंट बुकलेट को सीलबंद बंडल में निर्धारित संग्रहण केंद्र में जमा करवाना होगा। बंडल निर्माण हेतु मजबूत जूट की टाट का प्रयोग किया जाए, सीमेंट की बोरी अथवा पुराना गला सड़ा टाट प्रयुक्त न किया जाए। विशेष ध्यान रखें बंडल पर परिकेंद्र की पहचान अंकित न हो। पूर्व निर्धारित प्रारूप में परिकेंद्र कोड परीक्षा दिनांक कुल परीक्षार्थी उपस्थित अनुपस्थित परीक्षार्थियों के नामांकन कब से तक विषय अंकित पर्ची भलीभांति चिपकाई जाए।
अगर परीक्षा केंद्र पर 300 से अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत है तो बुकलेट की एक पैकेट तैयार किया जावे। जैसे पंजीकृत परीक्षार्थी 220 है तो एक पैकेट तैयार होगा, 380 है तो 300 प्लस 80 दो पैकेट तैयार होंगे, 700 है तो 300, 300 और 100 तीन पैकेट तैयार किए जाने हैं। केंद्राधीक्षक इस बात का ख्याल रखेगा कि परीक्षा में बैठक व्यवस्था में प्रत्येक बच्चे के मध्य पर्याप्त दूरी हो, नकल की स्थिति न बने, कोई परीक्षार्थी किसी संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं हो, अगर है तो उसको अलग से बैठाया जाए। परीक्षा केंद्र पर पंजीकृत सभी परीक्षार्थियों की कक्षावार बैठक व्यवस्था सुनिश्चित, बड़े सुपाठ्य अक्षरों में नोटिस बोर्ड की चस्पाकर दे दी जावे। साथ ही परीक्षा अवधि के दौरान सिर्फ केंद्राधीक्षक का ही मोबाइल क्रियाशील अवस्था में रहेगा। प्रति परीक्षा दिवस को केंद्राधीक्षक अनुपस्थित परीक्षार्थी की सूचना डाइट द्वारा स्थापित नियंत्रण कक्ष को परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पश्चात देंगे। परीक्षा केंद्र पर अनुपस्थित परीक्षार्थियों हेतु पृथक से रजिस्टर भी संधारण करेंगे। केंद्राधीक्षक प्रत्येक परीक्षा दिवस को परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात पोर्टल पर उपलब्ध करवाए जा रहे उपस्थिति मॉड्यूल में अनुपस्थित परीक्षार्थियों की एंट्री करेगा। सभी परीक्षार्थी इस मॉड्यूल में बाई डिफॉल्ट प्रेजेंट ही प्रदर्शित होंगे। केंद्राधीक्षक केवल अनुपस्थित विद्यार्थियों को ड्रॉप डाउन मेन्यू की मदद से एब्सेंट प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार परीक्षा केंद्रों पर अनुचित सामग्री इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का प्रयोग निषिद्ध है। केंद्राधीक्षक है वो ध्यान रखे और वे आंतरिक उड़न दस्ते का गठन कर परीक्षा की सुनिश्चितता रखे। विशेष ध्यान रखे कक्षा 8 हेतु तृतीय भाषा के परीक्षा दिवस के दिन तृतीय भाषा का प्रश्न पत्र बुकलेट वितरित करते समय संस्कृत विषयों की पहचान में कोई विसंगति न हो। सामान्य परीक्षार्थी हेतु तृतीय भाषा संस्कृत कोड 71 और संस्कृत शिक्षा के जो विद्यालय हैं उनके परीक्षार्थियों हेतु परीक्षा केंद्र में तृतीय भाषा का कोड 95 अर्थात 95 निर्धारित किए गए हैं। तो साथियों ये तो थे कक्षा 8 हेतु आवश्यक दिशा निर्देश विद्यालय संस्था प्रधान और केंद्राधीक्षक हेतु। 17 की प्रविष्टि के लिए अलग से इसका वीडियो बनाया जाएगा। बात करते हैं कक्षा 5 की। बात करें कक्षा 5 की तो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट की ओर से एक आदेश आया है जो समस्त बीकानेर के जो CDO है उनके लिए है, तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। ये डाइट बीकानेर की ओर से आदेश आया है, संपूर्ण राजस्थान में लागू नहीं होगा, उनके लिए अलग से आदेश आएगा। यह समस्त CBO बीकानेर को लिखा गया है, समस्त संग्रहण केंद्राधीक्षक जिला बीकानेर को लिखा गया है और विषय है कक्षा 5 की सत्रांक फीडिंग के संबंध में। तो यहाँ बताया गया है कि कक्षा 5 के सभी विषयों के जो सत्रांक की ऑनलाइन फीडिंग का कार्य विद्यालय लॉगिन पर सत्यांग मॉड्यूल द्वारा संपन्न होगी, अर्थात जो आपको सत्रांक ऑनलाइन करने हैं वो विद्यालय लॉगिन पर ऑनलाइन होंगे, अतः सभी विद्यालय संबंधित मॉड्यूल ओपन होने पर ध्यानपूर्वक सत्रांक की फीडिंग करें। साथ ही सत्रांक की जो हार्ड कॉपी डाइट में जमा होनी है तो संबंधित डाइट में आपको जमा करवानी, आपके जिले की जो डाइट लगती है उसमें करवानी है, अतः सभी विद्यालय अपने विषयवार सत्रांक की हार्ड कॉपी अपने परीक्षा केंद्र पर जमा करवाएंगे तथा परीक्षा केंद्र विषयवार सुव्यवस्थित कर संग्रहण केंद्र पर जमा करवाएंगे। तत्पश्चात संग्रहण केंद्र गत वर्ष की तरह विषयवार सेट बनाकर डाइट कार्यालय में परीक्षा समाप्ति जो 27 अप्रैल 2022 के 5 दिवस के भीतर जमा करवाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखें और इस सूचना को चैन बाई चैन प्रत्येक विद्यालय तक प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें। तो इस बात का ख्याल रखें कि आपको भी जो अपने विद्यालय में या अपने जो कक्षा 5 की सत्रांक फीडिंग करनी है वो मॉड्यूल जो ओपन होगा उसमें करनी है और जो ये चैन निर्धारित की गई है उसके अनुसार सत्रांक की कॉपी है वो आपको जमा करवानी है। सभी विद्यालयों को सबसे पहले सत्रांक की जो हार्ड कॉपी है सभी विद्यालय को अपने विषयवार सत्रांक की हार्ड कॉपी परीक्षा केंद्र पर जमा करवाएंगे। उसके बाद परीक्षा केंद्र विषयवार सुव्यवस्थित कर संग्रहण केंद्र पर जमा करवाएंगे। इसी प्रकार संग्रहण केंद्र सेट बनाकर डाइट कार्यालय को जमा करवा देंगे। तो धन्यवाद साथियों, ये थी आज की बड़ी अपडेट। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।